हे एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सभी का हमारे आज के न्यू व्लॉग में। आज है महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये प्यारा सा फ्लावर कितना सुंदर लग रहा है ना, पिंक और ये बैंगनी दो फ्लावर निकले अभी इसमें। अंदर ना एक्चुअली बहुत ठंड लग रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर बाहर धूप में बैठा जाए। अंदर बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रहा था इसलिए बाहर आके बैठ गई और हवा भी चल रहा है। तो भाई साहब, यहाँ से ना मेरा बिल्कुल ही टॉपिक चेंज होता है। मैं अभी ऑफिस में हूँ। एक्चुअली मुझे ऑफिस से कॉल आ गया था कि मतलब ये जो वुमेन्स डे का पार्टी ऑर्गेनाइज किया हुआ है आने के लिए, तो मैं मना भी नहीं कर सकती थी। मेरे सीनियर है तो मुझे आना पड़ा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज की वैसे तो मेरी छुट्टी थी, रेस्ट भी थी, बट चलो मैं आ गई। लेकिन सच में बहुत मज़ा आया। मैं मतलब नहीं आती ना तो मतलब मैं तो मिस कर देती ये सारा चीज़। मज़ा आया था मुझे बहुत। यहाँ पे थोड़ा बहुत गेम हो रहा है एंड डांस वगैरह बहुत फन हो रहा है। तो ऑफिस की पार्टी हो चुकी है ख़त्म एंड मैं अभी अपने रूम पे आ गई। और अब तो ठंडा बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। धूप में आते आते तो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत गर्मी लग रही है। गर्मी सच में हो गया है, अब स्टार्ट हो गया गर्मी। ठंडा ही ठीक था। ठंडा में गर्मी पसंद होता है और गर्मी में ठंडा पसंद होता है। खैर ये तो चलता ही रहेगा। आज बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया मैं तो। बहुत बहुत सारे ऐसे इवेंट हुए ऑफिस में जो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ेदार गेम चल रहा था वहाँ पे। मज़ा आ गया। मतलब मैं घर पे थी, सोई हुई थी और मैं आज मिस कर देती। अगर मैं नहीं जाती मैं ये सब मिस कर देती। सच में बहुत मज़ा आया। एंड मनी भी ऑफिस ही गए हुए, कल संडे उनकी छुट्टी है, मुझे कल जाना है। और पता है मतलब जो पार्टी ख़त्म हुआ मैं घर पे आई और सोने की कोशिश कर रही हूँ, अब मुझे नींद ही नहीं आ रही। मतलब मेरे साथ भी ना मजाक ही हो जाता है। ऑफिस में गई थी, इतने तरह का गेम हुआ, बहुत ही अच्छा एंटरटेनमेंट हुआ और हमें बहुत ही प्यारा प्यारा सा गिफ्ट मिला है ऑफिस से। मतलब मुझे तो वैसे भी गिफ्ट्स के नाम पे ना मुझे बहुत खुशी होती है, मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी मिलती है। और बहुत टाइम बाद ऑफिस में मतलब इतने अच्छे से, बहुत टाइम ये हुआ था जब मैं ज्वाइन मैंने किया था तब हुआ था। दो तीन पार्टीज बहुत अच्छे से हुए थे, उसके बाद बीच में बंद हो गया था। अब ये फिर से स्टार्ट हो गया। मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया मुझे। मैं दिखाती हूँ मुझे क्या क्या मिला है वहाँ से। एक्चुअली मेरे से ना वेट नहीं हो रहा था तो मैंने इसका रैपर फेंक दिया खोल के। तो ये मतलब ऐसे ही कैरी बैग था और ये रहा इसमें प्यारा सा पाउच। मतलब हम लड़के को चाहिए ही क्या, मेकअप भी तो चाहिए होता है। तो इसमें से पहले निकलता है ये क्लिप्स, कलरफुल क्लिप्स, बहुत ही प्यारे हैं। एंड मेरे पास क्लिप्स थे भी नहीं, मुझे कंपनी की तरफ से मिल गया। तो ये सुंदर सुंदर चार पांच कलर है। मुझे वैसे भी डार्क कलर्स मुझे अच्छे लगते हैं, क्लिप्स वगैरह या नेल पेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो क्लिप और ये है फेसेस कनाडा का काजल। और ये है फाउंडेशन, मतलब चलो ये दो तीन टाइम तो यूज हो ही जाएगा। एक पाउच है, फेयर कलर है ये काफ़ी। तो वैसे भी मैं फाउंडेशन बहुत कम ही यूज, कम क्या ना के बराबर ही करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ फाउंडेशन यूज। उसके बाद आता है ये नेल पेंट, बहुत ही प्यारा कलर है, मेरे पास था भी नहीं इस कलर का। इसके बाद निकलता है ये प्यारा सा, एकदम प्यारा सा डिब्बी। मुझे तो डब्बों से बहुत प्यार है मुझे लगता है। बहुत ही सुंदर है डब्बा, ऐसा लग रहा है जैसे इसमें रिंग हो। इसमें से निकलता है ये कागज़ होता है, इसको पानी में जैसे ही डालते हैं ना तो ये फैल जाता है, फेस के लिए होता है, कुछ टॉवल जैसा बन जाता है। मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं किया, पता नहीं करती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। और ये है रबर,
मैं दो छुट्टी बना के जाऊंगी ऑफिस। तो ये रहे हमारे प्यारे प्यारे से गिफ्ट्स एंड मतलब ऑफिस में गई थी, वहाँ पे जब गेम हुआ था, मैं मतलब ऐसा था ना जो तकिया वाला खेलते नहीं और म्यूजिक चलता है तो मतलब वो आउट हो जाता है गेम से, और फिर जो लोग जो सभी लोग कहते हैं वो करना पड़ता है। जब मैं आउट हुई थी तो मुझे डांस करना था। एक्चुअली ये हकीकत है, मैंने आज तक कभी डांस नहीं किया, कभी भी नहीं किया, तो मुझे आता भी नहीं और मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आता है, बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए मैं कभी गलती से भी कोशिश भी नहीं करती डांस करने का कि कहीं मेरा मजाक ना बन जाए ये सब सोच के। तो खैर मैंने कुछ किया नहीं वहाँ पे एंड मतलब मेरी कंपनी में पहले किसी को पता नहीं, पहले से पता है या इधर पता लग गया मुझे आइडिया नहीं है। मैंने अपने ब्लॉगिंग के बारे किसी को भी नहीं बता रखा था, कुछ लोगों को पता था, पता लग गया था, और कुछ लोगों को पता नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ लोगों को पता नहीं है, बट आज मुझे ऑफिस में पूरा कंफर्म हो गया है कि पूरे ऑफिस में ब्लॉगिंग के बारे पता है। वैसे तो जब ये बात बोला गया ना कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो मुझे ना एकदम से बहुत शर्म आया, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या बोलूँ। मतलब चलो कर रही हूँ। वैसे भी अब तो यहाँ तक आ गए कि 25,000 सब्सक्राइबर हो गए और कम हो गए, जब मतलब 24,900 कुछ रह गए, माइनस होता जा रहा है। अब मैं व्लॉगिंग बंद करती जा रही हूँ धीरे धीरे, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल ही डाउन ना हो जाऊँ मैं इसमें। तो वक्त हो गया है, इवनिंग के 5 बज गए। अब मैं फटाफट जाती हूँ, कुछ रात के खाने की तैयारी करती हूँ, नहीं तो मनी आएंगे तो फिर से गुलगप्पू बन जाएंगे कि कुछ बना के नहीं रखा।